हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है, तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी? हाँ, तेरे राम भैया भी। भरत, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, परंतु कुछ नहीं गुरुदेव, मैं जानता हूँ राम भैया आपकी आज्ञा नहीं टाल सकते, इसलिए आपको आज्ञा देनी ही होगी, अन्यथा मैं अन्न जल त्याग करके यही चित्रकूट में अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव, ऐसा लगता है जैसे अब मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। भैया, सुना है भरत भैया अपने साथ राजाभिषेक की सारी सामग्री लाए हैं, वो यहीं पर आपका राजाभिषेक करना चाहते हैं। अच्छा, परंतु भरत को ऐसी नीति विरुद्ध बात नहीं सोचनी चाहिए। इसमें नीति विरुद्ध क्या है भैया? देखो लक्ष्मण, पिताश्री के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है, उतना ही भरत का भी है। वो नहीं माने, राम भैया नहीं माने। क्या नहीं माने वत्स? उनका भाव जानने के लिए मैंने लक्ष्मण द्वारा उनको सूचना दी थी कि हम उनका राज्याभिषेक यहीं करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने कह दिया भरत ऐसी नीति विरुद्ध बात कभी सोच ही नहीं सकता। पिता के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है, उतना ही भरत का भी। गुरुदेव आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं मर जाऊंगा। आप राम भैया को आज्ञा दीजिए। भरत, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है, तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी? हाँ, तेरे राम भैया भी। यदि मानव के हृदय से सच पुकार निकले तो स्वयं भगवान को भी अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं। कल सवेरे हम सभा बुलाएंगे, उसमें सब निर्णय हो जाएगा। गुरुदेव,